ये सोशल मीडिया स्टार्स आज जिंदा होते तो आज ये कहां पे होते, और ये जो आप फेमस यूट्यूबर्स को पहले देखते थे आज इन्हें इतने कम लोग क्यों देख रहे हैं। ये कौन सी वेबसाइट है जिसमें आप रात में लिटरली सूरज को ऑर्डर कर सकते हो, और अगर आपको भी मच्छर ज्यादा काटते हैं तो भाई आपके अंदर एक ऐसी खूबी है जो आप खुद नहीं जानते। भाई वीडियो इतना मजेदार है ना कि इसे आप खुद नहीं छोड़ पाओगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस पकड़ वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 14, ये सच में बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी होती है या कुछ भी पता करना होता है तो आप गूगल कर लेते होंगे, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमेशा ट्रस्टेड सोर्सेज से नहीं मिलती। इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती, इसलिए आपको scholar.google.com ट्राई करना चाहिए। ये एक स्पेसिफिक टाइप का गूगल वेबसाइट जिस पर ट्रस्टेड और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आप इस पर कुछ भी सर्च करोगे तो वो बस अच्छा एसईओ करने की वजह से आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखाएगा, बल्कि इसमें जो एक्चुअली में ट्रस्टेड और रिसर्च साइट्स होती हैं, उसका ही इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। नंबर 13, ये सच में बहुत ही फनी है। श्रीलंका में एक न्यूज में यूएसए से रिलेटेड न्यूज दिखाई जा रही थी, तो उन्होंने यूएसए का मैप दिखाने का सोचा, और आप देख सकते हो श्रीलंका के लिए यूएसए में बस 4 स्टेट्स हैं। एक है फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यूयॉर्क और एक कैलिफोर्निया, यानी कि बाकी के 40 से भी ज्यादा स्टेट्स इन्होंने दिखाए ही नहीं। वाह भाई। नंबर 12, क्या आपको पता है जो कबूतर होते हैं उनकी हड्डियाँ उनके पंख से भी ज्यादा हल्के होते हैं। ऑलमोस्ट सारे नॉर्मल बर्ड्स के साथ ऐसा ही होता है कि उनकी हड्डियाँ उनके पंख से ज्यादा हल्की होती है ताकि उन्हें उड़ने में आसानी हो सके। इनकी जो हड्डियाँ होती हैं ये खोखली होती हैं, और कई बार तो इनमें होल भी होता है ताकि वो वेट को कम कर सके, और इसी वजह से इनकी हड्डी भी वीक होते हैं। पर वो बात अलग है कि उन्हें इतना ज्यादा हैवी काम नहीं करना होता। नंबर 11, ये सच में कमाल का है। आप रात में भी सूरज को ऑर्डर कर सकते हो। ये है न्यू स्टार्टअप आइडिया जो बहुत क्रेजी है। ये देखो, ये इनका डेमो वीडियो जिसमें इन्होंने रात को सन ऑर्डर कर लिया, यानी कि अंधेरे में भी रोशनी, वो भी सीधा स्पेस से। दरअसल इनका आइडिया ये है कि स्पेस में बहुत सारे मिरर्स लगाएंगे और ऑर्डर करने पर ये सन की लाइट उस मिरर को रिफ्लेक्ट करेगी। वैसे तो ये इनिशियली सोलर पैनल्स के लिए सोचा गया था और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, पर इसे मे बी कोई भी ऑर्डर कर सकता है। वैसे ये डेमो वीडियो तो फेक है जो कि शायद बलून और लाइट से बनाया गया है, बट फिर भी आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। नंबर 9, आपने देखा होगा मोस्टली जो आयरन करने की मशीन होती है उसके टिप पर छोटा सा कैप होता है। ऑलमोस्ट सारी मशीन में ये होता है, और लोगों को लगता है कि शायद ये प्लास्टिक को मेल्ट होने से बचाने के लिए होता होगा, पर ऐसा नहीं है, इसका एक स्पेसिफिक काम है। आपने देखा होगा टी शर्ट और कॉलर्स जो है उनको नॉर्मली आयरन करना काफी मुश्किल होता है, और कॉलर्स जो है उनको नॉर्मली करना काफी मुश्किल है, और इसी वजह से इस गैप को बनाया जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरीके से आप आयरन के गैप के बीच में टी शर्ट के कॉलर्स को फंसा कर उसे अच्छे से आयरन कर सकते हो, यही इसका स्पेसिफिक काम है। नंबर 8, आपको ब्लड टाइप के बारे में पता होगा। अपना ब्लड टाइप जानना काफी जरूरी है क्योंकि वो लाइफ सेविंग हो सकता है। लेकिन मच्छर जो होते हैं उनका भी एक स्पेशल ब्लड टाइप फेवरेट होता है, वो है ओ टाइप। ओ टाइप ब्लड जो होता है वो मस्कीटोस को बहुत पसंद आता है, फिर चाहे वो पॉजिटिव की बात करें या नेगेटिव की। हाँ, इसमें भी ओ पॉजिटिव ब्लड टाइप मस्कीटो को बहुत ज्यादा पसंद आता है, और इसीलिए जिनका ये ब्लड ग्रुप होता है उन्हें मच्छर ज्यादा काटते हैं। नंबर 7, आपको माउंट फूजी पहाड़ तो पता ही होगा। ये जापान का काफी पॉपुलर पहाड़ है। एक बार कुछ क्लाइंबर्स इसके टॉप पर चढ़े और ऊपर जाने के बाद उन्होंने पिज्जा ऑर्डर कर लिया, और डिलीवरी बॉय जब वहाँ पर आया तो वह समझ गया था कि किसी ने माउंटेन के ऊपर से पिज्जा ऑर्डर किया है, पर वो उतनी जल्दी हार मानने वाले में से नहीं था। ये काफी अजीब था, लेकिन इस डिलीवरी वाले ने सोचा कि मैं ऊपर तक पिज्जा डिलीवर करके ही रहूंगा। उसके लिए इसने $900 एक्स्ट्रा चार्ज किए, पर ये ऊपर तक पहुंच गया। वहाँ भाई, काम में ऐसी डेडिकेशन होनी चाहिए। नंबर 6, चाइना में आप लिटरली हॉस्पिटल के अंदर बड़ी सी गाड़ी चला सकते हो। चाइना में अब बहुत ज्यादा बड़े बड़े हॉस्पिटल फैसिलिटीज बन रही हैं, और बड़े से मेरा मतलब बस थोड़ा बड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बड़ी। और जाहिर सी बात है, अगर इतने बड़े हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी तकलीफ होगी, और इसी वजह से यहाँ पर कुछ इस तरीके का ट्रैवल सिस्टम बनाया गया है। यानी कि बिल्कुल जैसे सड़क पर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही अंदर भी हॉस्पिटल की स्पेशल बस चलती है जिस पर नर्सेस और डॉक्टर बैठ सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, और ये बिल्कुल सिस्टमैटिकली काम भी करता है। नंबर 5, यार यूनिवर्सिटी हो तो ऐसी जो म्यूनिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर बड़ी बड़ी
स्लाइड्स बनाई गई हैं कुछ इस तरीके से, जो टॉप फ्लोर से डाउन फ्लोर तक जाती हैं। यूजुअली इसके लिए सीढ़ियां लेनी पड़ती है, पर इसके साथ ऐसा नहीं है, आप मस्त स्लाइड करके ऊपर से नीचे पहुंच सकते हो। और देखा जाए तो ये काफी ज्यादा फास्ट भी है और ऐसे बच्चों का काफी टाइम भी बचता है एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए। ऑब्वियसली बच्चों को ये सिखाया जाता है कि कैसे इसको सेफली यूज करना चाहिए, पर यार ये बहुत ज्यादा फन लग रहा है। सच बताऊं तो बस इस स्लाइड के लिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मन कर जाएगा। नेमफोल नाइक की जब शुरुआत हुई थी तो उसका नाम काफी अजीब था। उसका नाम इन्होंने रखा था ब्लू रिबन स्पोर्ट्स, और उस टाइम पर वो अपने टाइगर शूज के लिए फेमस थे। उसके बाद 1971 में आके इन्होंने अपना नाम चेंज करके नाइकी कर दिया। और आप सोच रहे होंगे कि नाइकी क्या है, तो ग्रीक माइथोलॉजी में एक भगवान है जिनका नाम है नाइकी, और ये द गॉडेस ऑफ विक्ट्री है, यानी कि जीतने की देवी। और इसी वजह से नाइकी ने इसे अपने ही नाम पर यूज करने का सोचा, क्योंकि नाइकी स्पोर्ट्स विनिंग और फ्रेंडली कॉम्पिटिशन को रिप्रेजेंट करता है, और इनका जो लोगो है वो भी यही आइडिया देता है कि तुम्हें स्पोर्ट्स जीतना है, जस्ट डू इट। नेमत्री ये कोई फैक्ट नहीं बल्कि थोड़ा फनी मीम लगा मुझे, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। पहाड़ की कंट्री में एक टाइप का लाइसेंस होता है जो ये रहा, पर इंडिया में तीन तरीके के लाइसेंस होते हैं, एक तो नॉर्मल लाइसेंस, दूसरा गांधी बापू यानी कि 500 की नोट जिसे देने पर ज्यादातर पुलिस वाले तो छोड़ ही देते हैं, और आखिरी में आता है सबसे पावरफुल मूव, वो है अपने पॉलिटिकल फैमिली मेंबर को कॉल लगाना और पुलिस वाले से कहना कि सर जरा बात कर लो इनसे एक बार। नंबर टू कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल भी है जो एक टाइम पर तो बहुत अच्छा कर रहे थे पर अब उनका डाउनफॉल हो रहा है, जैसे कि मोस्टली सीन। हाँ माना ये अपने एक्टिंग करियर को अच्छा खासा परस्यू कर रहे हैं, लेकिन इनका जो यूट्यूब चैनल था उसका बहुत तगड़ा डाउनफॉल हो रहा है, और उसका सिंपल रीजन ये है कि ये कम रिलेटेबल हो गई हैं और उन्होंने वीडियोस डालना भी कम कर दिया है और अपने दूसरे करियर में ये ज्यादा फोकस्ड हैं। फिर उसके बाद आते हैं मुंबई कर निखिल, इनके वीडियोस में अभी भी व्यूज तो आते ही हैं, पर एक टाइम था जब इनका बहुत क्रेज था और उसके कंपैरिजन में इनका चैनल डाउनफॉल में है। उसका रीजन ये सिंपल है कि ओवर द टाइम इनके ऑडियंस में दूसरे दूसरे क्रिएटर्स को ढूंढ लिया और लोग हमेशा एक ही चीज से बोर हो जाते हैं। फिर बात करते हैं गेमिंग यूट्यूबर्स की, ये तो एक दो नहीं बल्कि कई सारे गेमिंग यूट्यूबर हैं जो कि बस पबजी या फिर फ्री फायर स्ट्रीम किया करते थे और उनको बहुत व्यूज आते थे, पर वो एकदम डाउनफॉल में चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जैसे टोटल गेमिंग, एएस गेमिंग, मॉर्टल और कई सारे। फिर बात करते हैं द रॉनी शो की, वैसे इनका जो चैनल रॉनी गेम है वो अभी भी अच्छा खासा चल रहा है, पर इनका जो सबसे मेन चैनल था द रॉनी शो उसका काफी डाउनफॉल हो रहा है क्योंकि इन्होंने इस पर वीडियो बनाना बहुत कम कर दिया था, और आज भी आप देखोगे तो ये काफी कम वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि ये इस चैनल के बारे में भूल ही गए और वैसे ये चैनल नीचे चला गया। फिर बात करते हैं टेक्निकल गुरु जी की, मार्केट में बहुत सारे क्रिएटर्स आने की वजह से लोग अलग अलग क्रिएटर्स को देखने लगे और टेक्निकल गुरु जी का डाउनफॉल हो गया। नंबर वन कई ऐसे सोशल मीडिया स्टार्स हैं जो कि अपने फेम के एकदम पीक पर थे और काफी ज्यादा फेमस थे और तभी वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, पर अगर वो आज जिंदा होते तो कितने ज्यादा फेमस होते। सबसे पहले बात करते हैं ताने जहन की, वैसे तो अब इनका इंस्टा अकाउंट अवेलेबल नहीं है, पर इनका जब एक्सीडेंट हुआ था तभी ये काफी ज्यादा फेमस थे और अभी इनके यूट्यूब पर 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और लोग अभी भी इन्हें काफी सपोर्ट करते हैं। अभी इनका चैनल इनके भाई संभालते हैं, अगर दाने जिंदा होते तो ये और भी ज्यादा पॉपुलर होते और कई सारे और भी रियलिटी शोज में काम कर चुके होते क्योंकि उनके कई सारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे और उनके यूट्यूब पर ऑलमोस्ट 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो हो ही गए होते। फिर आते हैं स्काई लॉर्ड के ऊपर, इनके चैनल पर तो अभी 2 मिलियन सब्सक्राइबर है पर लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद करते थे और उनके कंटेंट को बहुत सपोर्ट करते थे। इनका फंडा भी काफी अलग था, ये यूट्यूब की कमाई को खुद के लिए नहीं रखते थे बल्कि काफी डोनेशन भी करते थे, लेकिन फिर इनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई और अगर आज ये जिंदा होते तो आज ये काफी पॉपुलर होते और अभी भी ये वीडियो बना रहे होते और इनके 4 to 5 मिलियन सब्सक्राइबर शायद हो चुके होते। फिर बात करते हैं प्रो राइडर 1000 की, यार ये उस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, यानी कि इनका चैनल एकदम पीक पर था, पर फिर एक एक्सीडेंट ने इनकी जिंदगी खत्म कर दी। पर अभी भी इनके चैनल पर वीडियोस आते हैं जो कि इनके फैमिली मेंबर्स मिलकर बनाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अब उनकी ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी पहली होती थी और इस हिसाब से इनके 3 to 4 मिलियन या उससे भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके होते। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता है कि फिल्म इंडस्ट्री के ये फेमस चाइल्ड एक्टर्स आज कहाँ हैं? कार्टून या एनिमे की चीजों को रियल लाइफ में देखकर आपका सच में दिमाग हिलने वाला है, और कैसे आप पानी में डुबकी मार के 10 साल टाइम में पीछे जा सकते हो, लेकिन वो कैसे इस वीडियो में सब पता चलेगा। तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार, बहुत मजेदार है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।